पीपीटी भी मैंने सही की हुई है। हाँ जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। अभी तक इससे पहले हमने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़े हैं, मशीन्स पढ़ी है, मूरे और मिले, ठीक है, ग्रामर पढ़ी हमने। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पुश डाउन ऑटोमेटा। अब सबसे पहले तो हमें पुश डाउन ऑटोमेटा की जरूरत क्यों पड़ी? सपोज आपके पास 0^n और 1^n, ठीक है, इस फॉर्म की लैंग्वेज है, ठीक है, तो इसके लिए ग्रामर तो आप सभी ने बना दी थी, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बना दी थी, 0 की पावर n और 1 की पावर n। लेकिन अगर मैं आपको कह रही हूँ इसके लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा बनाओ 0 की पावर n, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हैं, उसके बाद उतनी नंबर ऑफ वंस आएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ये रिमेम्बर करना पड़ेगा कि मेरी पहले कितनी जीरो आई है। जितनी जीरो आएंगी उतने ही वन आएंगे, 0 की पावर n और 1 की पावर n। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बन सकता क्योंकि पहले कितनी जीरोस आई है उसको रिमेम्बर करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद उतने ही वन आने चाहिए उस स्ट्रिंग में, कि 0 1 है, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 3 टाइम 0 3 टाइम 1 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में तो रिमेम्बरिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं। तो इस टाइप की अगर लैंग्वेजेस हैं तो इस टाइप की लैंग्वेजेस के लिए हम क्या, कौन सी मशीन पे, कौन से मॉडल पे ये वर्क करेंगी? कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा के मॉडल पे तो वर्क नहीं कर रही है, तो उसके लिए जो हमारे पास मॉडल है डेट इज पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। अभी तक मैंने ये बताया कि पुश डाउन ऑटोमेटा की हमें जरूरत क्यों पड़ी है। अब पुश डाउन ऑटोमेटा जो मॉडल है, तो ये देखो इसकी डायग्राम विजिबल है, इनपुट टेप है आपकी, ये इनपुट फाइल आप उसको बोल सकते हो, वो आपकी सेम है, ठीक है। फाइनाइट कंट्रोल सिस्टम है, वो भी आपका सेम है। इनपुट टेप पे क्या करते हैं हम, इनपुट स्टोर करते हैं। फाइनाइट कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या था कि नंबर ऑफ स्टेट्स हैं और उन नंबर ऑफ स्टेट्स पे हम इनपुट देते हैं और नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आउटपुट आ रही है। अब यहाँ पे देखो साथ में कि स्टैक गिवन है, अब ऑब्वियस है मुझे लर्न करना पड़ेगा, मेमोरी लेनी पड़ेगी, तो मेमोरी हम कैसे ले रहे हैं कि हम स्टैक का यूज कर रहे हैं। तो पुश डाउन ऑटोमेटा आपका ऐसा मॉडल है जो मेमोरी का कंसेप्ट यूज कर रहा है, और मेमोरी को हम कैसे ले रहे हैं, स्टैक की फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक ऑक्सिलरी मेमोरी मैंने एड कर दी है स्टैक की फॉर्म में इस मॉडल में। अब जितनी भी हमने अभी तक डेफिनेशंस पढ़ी सभी मॉडल्स की, सारे के सारे डेफिनेशंस क्या थे, कलेक्शन ऑफ सम टपल्स थे। तो यहाँ पे पुश डाउन ऑटोमेटा इट इज आल्सो अ कलेक्शन ऑफ सम टपल्स। नाउ व्हाट आर द टपल्स, देयर आर 7 टपल्स, स्टेट्स होगा। नेक्स्ट इनपुट अल्फाबेट्स, ये भी सेम थे। नेक्स्ट इज दिस टो सिंबल, ओके। नाउ व्हाट इज दिस टो, बेसिकली इट इज सेट अप पुश डाउन सिंबल्स, कि जो भी आपके स्टैक में सिंबल्स हैं, ठीक है, उनको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टो से। तो टो में क्या होंगे कि जो आपके स्टैक में सिंबल आते जा रहे हैं। ट्रांजिशन फंक्शन सेम है कि किसी भी स्टेट पे मैं करूंगी क्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ट्रांजिशन फंक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि किसी भी स्टेट पे क्यू आपने रीड किया, या तो कोई इनपुट या नल भी रीड हो सकता है, ठीक है, और साथ साथ हम स्टैक भी तो है, और स्टैक में क्या सिंबल है, और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट स्टेट क्या आई है, और स्टैक में आपकी क्या मॉडिफिकेशन हुई, आपने पुश किया है या पॉप किया है, कि अब स्टैक पे क्या टॉप एलिमेंट है। हाँ जी, फिर से बता रही हूँ, ट्रांजिशन फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रांजिशन फंक्शन क्या है कि किसी भी स्टेट पे आपने कोई इनपुट रीड की, तो इनपुट कहाँ से रीड करेंगे, इनपुट सिंबल से, या फिर ये हो सकता है नल रीड करे, कुछ रीड ही ना करे, ठीक है, और साथ साथ ये देखना है कि स्टैक में क्या है एलिमेंट, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग की नेक्स्ट स्टेट क्या आई है, और फिर स्टैक में फिर से क्या एलिमेंट है। ये यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन की डेफिनेशन है पीडीए के केस में। नेक्स्ट आपके पास क्यू नॉट है, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट है। नेक्स्ट पी जीरो है, पी जीरो जो आपका है दैट इज इनिशियल सिंबल ऑन द स्टैक, स्टैक में जो इनिशियल सिंबल है दैट इज पी जीरो, की पी जीरो आपने इनिशियल सिंबल डाला हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका फाइनल स्टेट एफ। तो ये आपके 7 टप्पल्स हैं, सेट ऑफ स्टेट है, सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स है, सेट ऑफ स्टैक सिंबल्स हैं, उन्हीं को हमने पुश डाउन सिंबल्स भी बोला है, ट्रांजिशन फंक्शन है, इनिशियल स्टेट है, स्टैक का इनिशियल सिंबल है एंड फाइनल स्टेट है। तो ये 7 टप्पल्स आपके पीडीए के हैं। पीडीए की डेफिनेशन पता चल गई, पीडीए की जरूरत क्यों पड़ी अब ये मुझे पता चल गया, ठीक है। और ये जैसे जो भी मेरा इनपुट होगी उस इनपुट को मैं इनपुट टेप पे स्टोर करूंगी। ये मेरा फाइनाइट कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ से एक एक करके इनपुट को रीड करेगा और साथ साथ ये देखेगा कि स्टैक के टॉप पे क्या सिंबल है, यही है ना ट्रांजिशन फंक्शन। तो इसके मतलब यहाँ पे अब दो हेड है, अभी तक फाइनाइट कंट्रोल सिस्टम का एक ही हेड होता था जो इनपुट टेप से रीड करता था, अब यहाँ पे दो हेड है, एक इनपुट टेप से रीड करेगा और एक साथ साथ टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ठीक है, उसको चेक करेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके एक्शंस परफॉर्म होंगे कि उसने क्या एक्शन परफॉर्म करना है मेरे फाइनाइट कंट्रोल सिस्टम ने। अब नेक्स्ट मेरे पास आ गए कि जो पीडीए है, पीडीए में आपके पास किस किस टाइप के मूव्स हैं। हाँ जी, मूव्स ऑफ पीडीए कि जब भी आप पुश डाउन ऑटोमेटा करेंगे, ठीक है, तो मेन तो ये मूव्स है कि कैसे आपने वर्क करना, ट्रांजिशन फंक्शन बताया था ना मैंने आपको, ठीक है, तो वो कैसे वर्क करेगा। हाँ जी, यहाँ पे ये मैंने एक तरीके से ये शॉर्टकट फॉर्म्स लिखी हुई हैं, ठीक है, जितने भी मेरे पास 6 मूव्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मैंने एक बार शॉर्टकट फॉर्म लिखी हुई है ताकि जब आप कंसेप्ट पूरा पढ़ ले तो इनको लर्न करने का मेथड है। एस सी का मतलब है स्टेट चेंज, स्टेट चेंज हो रही है। एस एस का मतलब है स्टेट सेम रह रही है, क्योंकि जब मैं किसी भी स्टेट पे इनपुट टेप से सिंबल रीड करूंगी और साथ साथ स्टैक के एलिमेंट को क्या है, टॉप एलिमेंट क्या है, उसको चेक करूंगी, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं स्टेट चेंज कर सकती हूँ या फिर उसी स्टेट पे रह सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपका स्टेट चेंज है, एस सी लिखा हुआ है और एस एस लिखा हुआ है, मीन्स स्टेट आपकी सेम रहेगी, आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है। अब स्टैक के ऊपर दो ही ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, या तो पुश हो सकता है या पॉप हो सकता है, ठीक है। स्टैक में या तो मैं क्या करूंगी, किसी सिंबल को पुश करूंगी या मैं किसी सिंबल को स्टैक से पॉप करूंगी। तो इसलिए देखो एक बार तो क्या है, तो मैंने कॉम्बिनेशन इनके बनेंगे मूव्स के केस में कि स्टेट चेंज हो रही है, आप पुश कर रहे हो, स्टेट चेंज हो रही है पॉप, मतलब आप स्टेट भी चेंज कर रहे हो और एलिमेंट को क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो स्टैक में, जो आपने इनपुट टेप से रीड किया है। स्टेट चेंज कर रहे हो और एलिमेंट को क्या कर रहे हो, पॉप कर रहे हो, जो भी स्टैक एलिमेंट था टॉप पे उसको क्या कर रहे हो, पॉप कर रहे हो स्टैक से, एक कॉम्बिनेशन तो ये बन गया। अब ऐसे स्टेट सेम के साथ कि आपने आप किसी स्टेट पे थे, आपने इनपुट टेप से रीड किया, स्टैक एलिमेंट को चेक किया, स्टेट आपने सेम ही रखी है लेकिन पुश कर दिया, जो भी इनपुट टेप से एलिमेंट आपने रीड किया, सिंबल रीड किया, उसको पुश कर दिया, स्टेट आपने सेम ही रखी है लेकिन स्टैक से पॉप कर दिया, ठीक है। 4 केसेस तो आपके ये बन गए हैं। फिर अब ये भी हो सकता है, ना ही मैं पुश करूं ना ही मैं पॉप करूं, मैं कोई भी ऑपरेशन ना परफॉर्म करूं, ठीक है, ये भी हो सकता है, ना ही मुझे पुश करने की जरूरत है ना ही मुझे पॉप करने की जरूरत है, तो अब वो भी एक, तो मतलब नथिंग मैं करूंगी, नथिंग यहाँ पे लिख लिया, और नथिंग क्या है कि अब स्टेट चेंज कर रहे हैं लेकिन हमने ना पुश किया ना पॉप किया, स्टेट को सेम रख रहे हैं, ना ही हमने पुश किया ना ही हमने पॉप किया। तो ये शॉर्टकट फॉर्म्स मैंने लिखी हुई हैं, अब इनको एक एक करके आप थोड़े ध्यान से देखो इन, अब इनकी एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, ये बता रहा है कि मूव्स कैसे होंगे पीडीए के। पहला मूव ट्रांजिशन फंक्शन, देखो क्यू नोट आप स्टेट पे थे, 0 इनपुट सपोज आपने रीड की इनपुट टेप से और स्टैक में आपका पी नोट सिंबल है, ठीक है, इनिशियल सिंबल था, तो सपोज आप ऐसा इसको कर सकते हो कि आपने स्टेट चेंज कर दी, क्यू नोट की जगह आप क्यू वन लिख दिया और इस 0 इनपुट को जो आपने इनपुट टेप से रीड किया था इसको स्टैक में पुश कर दिया। तो इसलिए एक केस क्या बन गया कि आप स्टेट भी चेंज कर रहे हो और आप एलिमेंट को पुश कर रहे हो, ठीक है। अभी जो सेकंड वाला केस है, इस केस में देखो सपोज यहाँ पे आपके पास कोई भी स्टेट थी, Q1 लिख लो, ठीक है, 0 इनपुट आपने रीड की और आपके स्टैक में इनिशियल एलिमेंट पी नॉट था, उसके बाद आपने ये मूव लिख दिया, अगर Q1 ही लिखा
ये इधर क्यू नॉट है बेटे, इधर क्यू वन लिखा और ये जीरो लिखा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर क्यू नॉट था और यहाँ पे आपने अब क्यू वन लिख दिया, इसका मतलब स्टेट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और कर क्या रहे हैं, देखो पहले यहाँ पे स्टैक में पी नॉट था, ठीक है ना, तो अब स्टैक में क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब मैंने पहले पॉप किया और फिर मैंने क्या किया है, पुश किया है जीरो को, तो एक तरीके से रिप्लेस हो गया, ठीक है। एक तरीके से आपने क्या किया, रिप्लेस हो गया। नेक्स्ट वाले, इस वाले केस में क्या है, क्यू जीरो स्टेट थी, क्यू जीरो स्टेट ही रखी है, मतलब स्टेट आपने सेम रखी है, मतलब ये मूव्स आप कर सकते हो। ये मूव्स क्या बता रहे हैं कि जब आप पीडीए बनाओगे, आप ये इतने टाइप्स के मूव्स आप अपने क्वेश्चन के लॉजिक के अकॉर्डिंग, कि अगर आपको आपको लग रहा है कि स्टेट चेंज होनी चाहिए तो आप स्टेट चेंज कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं स्टेट सेम ही रहने देते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आप स्टेट को सेम रख सकते हो, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एलिमेंट को पुश करना चाहिए तो पुश करेंगे, आपको लग रहा है पॉप करना चाहिए तो पॉप करेंगे, अगर आपको लग रहा है नहीं स्टैक पे कोई भी एलिमेंट हो हमें फर्क ही नहीं पड़ता तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना हम पुश करेंगे ना ही हम पॉप करेंगे। तो बेसिकली ये मूव्स तो हमें यही बता रहे हैं कि हम ये मूव्स अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहां से बस आपने ध्यान रखना है कि स्टेट चेंज, स्टेट सेम, पुश पॉप और नथिंग। ये इसी का ही मूव था, उसी डायग्राम को इन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है। हाँ जी, अब नेक्स्ट आया है कि पीडीए पे पता कैसे चलेगा कि मेरी जो भी स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। अब पीडीए पे भी ऑब्वियस है, कोई भी स्ट्रिंग हम लेंगे और हम ये बताएंगे कि स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। तो सबसे पहले तो आपने ये अभी तक माइंड में ये सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि जिन भी लैंग्वेजेस के लिए हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाते हैं उन सभी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनता है, पीडीए। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट इक्विवेलेंस ऑफ सीएफजी एंड पीडीए, क्योंकि जो सबसे पहला एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया जीरो की पावर एन और वन की पावर एन, ठीक है, वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीएफजी तो बनती है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो एफ ए नहीं बन सकता था तभी तो पीडीए बना, क्योंकि वो सीएफजी से रिप्रेजेंट होती है। तो सीएफजी और पीडीए में आपकी इक्विवेलेंस है, अगर सीएफजी है तो आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीडीए बना सकते हो, अगर पीडीए है तो आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीएफजी बना सकते हो, ठीक है। अब पीडीए में आपके पास इनिशियल स्टेट भी थी, इनपुट सिंबल्स भी थे, इतने सारे सेवन टप्पल्स थे और फाइनल स्टेट भी थी, ठीक है। इसका मतलब फाइनल स्टेट पे एंड होगा मेरा, जैसे कि एफ ए के केस में हो रहा था। तो कैसे पता चलेगा कोई भी स्ट्रिंग मेरी पीडीए पे एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। तो बेसिकली पीडीए में एक्सेप्टेंस के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट, ठीक है। सेकंड मेथड है एक्सेप्टेंस बाय नल स्टोर और एम्प्टी स्टोर। अब एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट का क्या मतलब है, देखो कि सपोज आपके पास लास्ट में ऐसा कुछ आ रहा है कि एक डब्ल्यू एक स्ट्रिंग थी, ठीक है ना, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होता है सब कुछ, इनिशियल स्टेट से आपने स्टार्ट किया, ये डब्ल्यू स्ट्रिंग आपकी इनपुट टेप पे थी, इस स्ट्रिंग को मैंने चेक करना है कि ये मेरे पीडीए पे एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, और इनिशियली पी नॉट आपका स्टैक में था, ठीक है। उसके बाद ये जो सिंबल है पीडीए में ये वाला सिंबल यूज करते हैं और इसका मतलब है मल्टीपल मूव्स के बाद, ठीक है। जैसे ग्रामर के केस में तो हम एरो का साइन यूज करते थे ना, और उसके ऊपर अगर मैंने स्टार लगा दिया मतलब मल्टीपल मूव्स के बाद ये मेरा ऐसा आएगा। और सेम यहाँ पे कि अगर मल्टीपल मूव्स के बाद की एंड में अगर आप कहाँ पहुंच रहे हैं, आप फाइनल स्टेट पे पहुंच गए हैं, इनपुट टेप आपकी नल हो चुकी है, बीच वाला जो स्पेस है वो इनपुट टेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट टेप आपकी नल हो चुकी है और स्टैक में कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, स्टैक के टॉप पे कोई भी एलिमेंट हो, तो इसका मतलब है कि आपकी वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी उस पीडीए पे। तो फाइनल स्टेट के केस में एक्सेप्टेंस कब होगी कि आपने बस फाइनल स्टेट पे पहुंचना है और इनपुट टेप आपकी नल होनी चाहिए, स्टैक से हमें कोई मतलब नहीं है, स्टैक में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बस आपने फाइनल स्टेट पे पहुंचना है और इनपुट टेप आपकी नल होनी चाहिए। हाँ जी, अब सेकेंड है एक्सेप्टेंस बाय नल स्टोर और एम्प्टी स्टोर।
इसका मतलब है कि क्यू नॉट इनिशियल स्टेट से आपने स्टार्ट किया, W स्ट्रिंग की मैं एक्सेप्टेंस चेक कर रही हूँ और P नॉट मेरा इनिशियली स्टैक में सिंबल था। आफ्टर मल्टीपल मूव्स अगर मैं ऐसी सिचुएशन मेरे पास आती है कि मैं क्यू डैश स्टेट पे पहुंची हूँ लेकिन वो क्यू डैश मेरी फाइनल स्टेट नहीं है, मैं क्यू डैश पे पहुंची हूँ क्यू डैश मेरी फाइनल स्टेट नहीं है, तो इनपुट टेप आपकी नल हो चुकी है और स्टैक भी आपका नल हो चुका है, या स्टैक में सिर्फ आपका जो इनिशियल सिंबल पी नॉट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली स्ट्रिंग भी आपके उस पीडीए पे एक्सेप्ट हो जाएगी। हाँ जी, एम्प्टी स्टोर और नल स्टोर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्यू नॉट स्टेट पे आपने स्टार्ट किया था, डब्ल्यू स्ट्रिंग को आप चेक कर रहे हो, अगर आप एंड में ऐसी जगह पहुंचते हो, आप किसी भी स्टेट पे पहुंचते हो, क्यू वो फाइनल स्टेट नहीं है अभी, ठीक है, आप क्यू डैश पे पहुंचते हो और आपकी इनपुट टेप भी नल हो चुकी है और आपका स्टैक भी नल हो चुका है, ठीक है। स्टैक नल हो चुका है तो इसका मतलब वही पी नॉट इनिशियल सिंबल उसमें एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है ये भी आपकी उस पीडीए पे एक्सेप्ट हो जाएगी। तो पीडीए पे एक्सेप्टेंस के दो मेथड है, आप किसी भी मेथड के थ्रू एक्सेप्ट करा सकते हो। हाँ जी, क्लियर हुआ ये एक्सेप्टेंस का क्लियर पॉइंट? ओके, हाँ जी, अब एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं कराती हूँ। पीडीए के 6-7 एग्जांपल है इसमें, ठीक है, ये जो पीपीटी है और इन 6-7 में से ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ऑटोमेटा का ये फायदा है कि इसके सिलेक्टेड क्वेश्चन है लगभग वही रिपीट होते हैं, कई बार अगर कोई नया आ जाए तो आ जाए बाई चांस, अदरवाइज यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन मतलब पीडीए का तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये तो जो मैं 6-7 क्वेश्चन आपको बताऊंगी ये तो आपने करने ही करने हैं, या तो समझ के करो या वैसे रटोगे तो रट के तो आएंगे नहीं, तो इससे अच्छे समझ के ही कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पीडीए का, एक आपने क्या करना है, आपको एक लैंग्वेज गिवन है उसके लिए पीडीए बनाना है। लैंग्वेज क्या गिवन है, डब्ल्यू सी डब्ल्यू रिवर्स एंड डब्ल्यू क्या है, बिलोंग्स टू ए बी स्टार, मतलब किस टाइप की स्ट्रिंग्स होंगी आपके पास लैंग्वेज में, कि पहले वो स्ट्रिंग है ए और बी की कोई भी हो सकती है, सारे ए हो सकते हैं सारे बी हो सकते हैं, ए और बी के कोई भी लेंथ हो सकती है, उसके बाद सी एक सिंबल आएगा, ठीक है, और उसके बाद उस डब्ल्यू स्ट्रिंग का रिवर्स, ठीक है। तो मतलब किस किस टाइप की स्ट्रिंग हो सकती है, हाँ जी, अभी ये डब्ल्यू ए बी स्टार था ना, तो इसका मतलब W अगर नल है तो नल सी और नल, तो इसका मतलब C खाली C एक्सेप्ट होना चाहिए आपके पीडीए पे, ठीक है। अब W की वैल्यू अगर मैं A रख लेती हूँ तो A C A, पहले A फिर C तो फिक्स ही है, ठीक है, टर्मिनल, और उसके बाद इस A का रिवर्स, तो A का रिवर्स तो A ही होता है, तो A C A, सिमिलरली B C B, या फिर जैसे A और B, अब A और W बिलोंग्स टू ए बी स्टार है ना, तो ए बी की कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है फाइनाइट लेंथ की, तो सपोज ए बी है, ए बी फिर सी आएगा और फिर ए बी का रिवर्स आएगा बी ए, ठीक है, तो ए बी सी बी ए ये बन जाएगा आपका। स्ट्रिंग्स पता चली कि लैंग्वेज में कौन कौन सी टाइप की स्ट्रिंग्स आ सकती हैं? हाँ जी, यस मैम, ओके। अब पीडीए बनाने का मतलब है आपने मूव्स बनाने हैं, ठीक है, तो मूव्स बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने लॉजिक सोचना है कि क्या लॉजिक होगा, लॉजिक आप सोचो और उस लॉजिक के अकॉर्डिंग आप मूव्स बनाओगे। हाँ जी, मुझे क्या करना है, देखो कि पहले मेरे पास W स्ट्रिंग आनी चाहिए, फिर एक C आना चाहिए और उसके बाद उसका W का रिवर्स आना चाहिए, मतलब जब ये W है, W का रिवर्स किसके बाद आया है, C के बाद आया है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं भी लॉजिक बता रही हूँ कि लॉजिक कैसे सोचना है, मैं क्या करती हूँ, पहले इस W स्ट्रिंग को जैसे जैसे जब तक कि पूरी मेरी W स्ट्रिंग आ रही है उसको स्टैक में एंटर करती रहती हूँ, ठीक है, कि A आ रहा है, B आ रहा है, जब तक कि पूरा W खत्म नहीं होता, क्या करती हूँ, स्टैक में एंटर करती रहती हूँ, उसके बाद C आ जाएगा, ठीक है, स्टेट चेंज कर देंगे, सी आ जाएगा, उसके बाद अब इनपुट टेप पे मेरे पास क्या होगा, W का रिवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनपुट टेप पे जो भी मैं स्ट्रिंग लूंगी ए बी सी बी ए, अब C तक मैं रीड कर चुकी थी,
उसके बाद मेरा इनपुट टेप पे रिवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये जो पहले डब्ल्यू स्ट्रिंग थी। और अगर अब मैं लॉजिक के अकॉर्डिंग सोचूं तो जब मैंने स्टैक में अपने डब्ल्यू स्ट्रिंग को एंटर किया था तो एक तरीके से स्टैक क्या होता है, हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो अगर मैं स्टैक से भी रीड कर रही हूँ ना सिंबल को, तो वो सेम सेम आने चाहिए। हाँ जी आएंगे सेम, क्योंकि इधर भी देखो जब मैं इधर सी के बाद बी रीड करूंगी और उधर अगर स्टैक पे चेक करूंगी तो स्टैक पे भी बी होगा। इधर मैं अगर फिर से ए रीड करूंगी ठीक है और स्टैक पे चेक करूंगी तो स्टैक पे भी क्या होगा, ए होगा। क्योंकि जो स्टैक में ना ऑटोमेटिकली जो जब मैंने स्ट्रिंग डब्ल्यू को एंटर किया था वो रिवर्स हो जाएगी। अब उल्टा होता है ना लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसका मतलब उन दोनों की मैं मैचिंग करती रहती हूँ कि अगर मेरा इनपुट टेप का सिंबल और स्टैक का सिंबल वो दोनों सेम है तो उन दोनों को आपस में कैंसिल करती रहती हूँ और आगे आगे मूव करती रहती हूँ। और लास्ट में अगर मेरी इनपुट टेप भी खत्म हो गई है और स्टैक भी इधर से खत्म हो गया तो इसका मतलब मेरी वो स्ट्रिंग इसी टाइप की है डब्ल्यू सी डब्ल्यू रिवर्स, और वो मेरी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। हाँ जी लॉजिक समझ में आया ठीक है। चलो अब हम पीडीए बनाते हैं। पीडीए में आपने सिर्फ ये मूव्स ही लिखने हैं ठीक है, मूव्स लिखे, डायग्राम तो बहुत इजीली बन जाएगी, डायग्राम बनाने में कुछ नहीं है, ये मूव्स। तो अभी मैंने लॉजिक क्या सोचा है कि जब तक मेरी पूरी डब्ल्यू स्ट्रिंग नहीं आ जाती, खत्म नहीं हो जाती डब्ल्यू स्ट्रिंग, तब तक तो मैं क्या कर रही हूँ उसको स्टैक में एंटर करती रहती हूँ। और स्टेट को मैं सेम रखूँ या चेंज करूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं सेम ही रख लेती हूँ ताकि जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स मेरे पास कम होंगी ना उतना ही मेरे लिए इजी होगा हैंडल करना। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेट सेम ही रखती रहती हूँ, स्टेट में तब चेंज करूंगी जब मैं सी को रीड करूंगी, ताकि मुझे ये पता चल जाएगा कि अब मेरी पूरी डब्ल्यू स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है इसलिए मैं स्टेट चेंज करूंगी ठीक है। हाँ जी अब पहला केस देखो, इनिशियल स्टेट पे हो आप, इनपुट टेप पे W पे क्या आ सकता है पहला सिंबल, या तो A आ सकता है या B आ सकता है, पहला सिंबल या तो A आ सकता है या B आ सकता है। और स्टैक में क्या इनिशियली P नॉट है ठीक है, तो इसलिए तो पहले मूव देखो ये पहले सिंबल के लिए है, तो आपने सिंपली क्या करना था स्टैक में पुश करना है। स्टैक में पुश करने का मतलब स्टेट सेम ही रख रही हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू मैंने लॉजिक यही सोचा, स्टेट सेम रखती हूँ और जो भी मैंने इनपुट सिंबल रीड किया है उसको स्टैक में पुश करती हूँ। पहला सिंबल अगर A है तो ये बन जाएगा, स्टेट सेम रखी क्यू नॉट, और स्टैक पे एपी जीरो चला जाएगा ठीक है, तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा, ए होगा। सिमिलरली अगर पहला सिंबल बी है, अब ये भी तो स्ट्रिंग हो सकती है ना, डबल बी ए और फिर सी और फिर ए डबल बी, बी से भी स्टार्ट हो सकती है मतलब मेरी स्ट्रिंग, तो पहला सिंबल अगर बी है तो ये बनेगा। हाँ जी ये पहले दो मूव क्लियर हुए। हाँ फर्स्ट इनपुट सिंबल की मैं बात कर रही हूँ, हाँ जी अब आगे देखो, अब हम आगे सेकंड सिंबल पे, पहला इनपुट सिंबल ए हो या बी हो, पहले और दूसरे रूल में से कोई एक रूल चल जाएगा ठीक है। अब हम आगे हैं अपने डब्ल्यू स्ट्रिंग के सेकंड सिंबल पे, अब जब मेरा सेकंड सिंबल है अगेन वहां पे भी वही पॉसिबिलिटी है, या तो ए होगा या बी होगा, दो दो पॉसिबिलिटी है। और स्टैक पे क्या हो सकता है, स्टैक पे भी या तो ए होगा या बी होगा टॉप ऑफ द स्टैक पे। हाँ जी जब मैं अपनी W स्ट्रिंग का सेकेंड सिंबल रीड करूंगी मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इनपुट टेप पे या तो A हो सकता है या B हो सकता है सेकेंड इनपुट सिंबल ठीक है। सिमिलरली अब जब मैंने सेकेंड इनपुट सिंबल इनपुट टेप से रीड किया है तो स्टैक में मेरा एक सिंबल जा चुका है, या तो वो A जाएगा या वो B जाएगा, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जो आपका थर्ड रूल है वो क्या है कि क्यू नॉट स्टेट है, A आपका इनपुट टेप पे है, अब कॉम्बिनेशन कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, इनपुट टेप पे ए है, स्टैक पे क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है ठीक है। इनपुट टेप पे ए है, स्टैक पे ए भी हो सकता है बी भी, इसका मतलब ए ए का कॉम्बिनेशन और ए बी का कॉम्बिनेशन। सिमिलरली इनपुट टेप पे अगर मेरा सेकंड सिंबल बी है तो स्टैक पे क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, इसका मतलब बी ए का कॉम्बिनेशन और बी बी का कॉम्बिनेशन, तो चार कॉम्बिनेशन बने। तो जो रूल है आपका 3 4 5 6 वो इसके लिए है कि क्यू नॉट स्टेट पे हो, इनपुट टेप पे ए है, स्टैक पे ए है, अभी तो मैंने पुश ही करना है और स्टेट सेम ही रखनी है जब तक मेरा सी नहीं आता, तो क्यू नॉट ही रखा और इस ए को पुश कर दिया, तो स्टैक में क्या हो जाएंगे,
ए ए हो जाएगा कि पहले वाला ए था उसके ऊपर एक और ए आ गया, ठीक है। सिमिलरली बी बी के लिए स्टेट सेम रखी और बी बी हो जाएंगे, ए बी के लिए स्टेट सेम रखी और ए बी आपका स्टैक में हो जाएंगे, बी ए के लिए क्यू नॉट और बी ए। हाँ जी, यहाँ तक पहले, अब तीसरा चौथा पांचवा छठा रोल समझ में आया है नहीं आया? हाँ मैं रिपीट करती हूँ, देखो पहला और दूसरा रूल तो सभी को समझ में आ गया कि जब मैंने इनपुट टेप से रीड करना है तो पहला इनपुट सिंबल, मैं बहुत सारे सिंबल्स की बात नहीं कर रही, सिंगल सिंबल की बात कर रही हूँ, पहला इनपुट सिंबल या तो मेरा ए होगा या बी होगा, और स्टैक में क्या है, पी नॉट है इनिशियल सिंबल। तो मैंने क्या किया, जो भी वो सिंबल है उसको अपने स्टैक में पुश कर दिया। अब जब मैं सेकेंड इनपुट सिंबल रीड करूंगी टेप से, इनपुट टेप से सेकेंड इनपुट सिंबल, या तो वो ए होगा या फिर वो बी होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। और स्टैक पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, टॉप ऑफ द स्टैक पे, अब इससे पहले जो फर्स्ट इनपुट सिंबल था उसको मैंने स्टैक में डाला था ना, तो या तो वो ए गया होगा या फिर वो बी गया होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इनपुट टेप पे भी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ए होगा या बी होगा, दोनों में से कोई एक। सिमिलरली स्टैक पे भी क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ए होगा या बी होगा। अब इनके अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, इनपुट टेप पे ए है तो स्टैक पे ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, तो इसलिए ए ए का कॉम्बिनेशन और ए बी का कॉम्बिनेशन। इनपुट टेप पे अगर सेकेंड इनपुट सिंबल बी है तो स्टैक पे या तो ए हो सकता है या बी भी हो सकता है, तो कॉम्बिनेशन क्या बना, बी ए और बी बी, बस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने पुश करना है बस अपने स्टैक में हमने। तो जो रूल आपका 3, 4, 5, 6 है वो इसके अकॉर्डिंग लिख के हुए हैं। क्लियर हुआ? नीचे ये डायग्राम्स भी बनी हुई हैं, जो मैं ये अभी थ्योरी बोल रही हूँ ना कि ये हो सकता है ये हो सकता है, एक एग्जांपल के थ्रू अभी डायग्राम्स भी बनी हुई है, इसको भी हम देखते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, तो लॉजिक मैंने यही लगाया था कि पहले मैं जब तक मेरी स्ट्रिंग खत्म नहीं होती मैं उसको स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एक एक करके स्टैक में पुश करती रहती हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब मैं थर्ड इनपुट सिंबल को रीड करूंगी तो या तो ए होगा या बी होगा, और स्टैक पे वही या तो ए होगा बी होगा, इसका मतलब ये वाले सेम रूल रिपीट होते रहेंगे, 3, 4, 5, 6 इनमें से कोई ना कोई रिपीट होता रहेगा, थर्ड इनपुट सिंबल के लिए भी, फोर्थ इनपुट सिंबल, क्योंकि यही पॉसिबिलिटी बनेगी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। ठीक है ना, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती है। अब जब मैंने W सारी स्ट्रिंग को रीड कर लिया, फिर मतलब मैं C को रीड करूंगी, अब स्टेट मेरी अभी क्यू नोट ही चल रही थी, सपोज मेरे पास सी सिंबल आ गया अब इनपुट टेप पे, ठीक है। अब स्टैक में ए हो या बी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो सी है उसको मैंने स्टैक में पुश नहीं कराना, तो जो पहले से ही था वही करना है, कुछ नहीं करना, मैंने स्टेट चेंज कर दी है क्यू नोट से क्यू वन स्टेट कर दी, और जो सी सिंबल आया सी सिंबल को मैंने पुश किया, कुछ भी नहीं किया स्टैक में, नथिंग परफॉर्म कर दिया, ठीक है। जो पहले टॉप ऑफ द स्टैक में था वही टॉप ऑफ द स्टैक में रहेगा। अब ये सी ए के लिए भी हो सकता था, सी क्योंकि स्टैक में ए भी हो सकता है टॉप ऑफ द स्टैक में और बी भी हो सकता है, तो इसलिए सी के लिए ये दोनों रूल्स आपके 7 और 8 रूल चलेगा। अब आगे हम पहुंचे 9 पे, जो 9 रूल है वो नल के लिए बना हुआ है, ठीक है, कि सपोज आपके पास इनिशियल स्टेट पे इनिशियल स्टेट थी, सी सिंबल भी तो एक्सेप्ट होना चाहिए था। हाँ जी, जब मैंने ये लैंग्वेज यहाँ लिखी थी, देखो ये सी सिंबल भी तो मेरा पीडीएफ पे एक्सेप्ट होना चाहिए था, तो ये वाला जो रूल है ना, रूल नंबर 9, ये खाली सी के एक्सेप्टेंस के लिए यूज होगा कि इनिशियल स्टेट क्यू नॉट है और पहला ही सिंबल सी आ गया है, क्योंकि नल को तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, पहला ही सिंबल सी आ गया है और इधर पी नोट था, तो आपने उस केस में भी क्या कर दी, स्टेट चेंज कर दी है और ऑपरेशन कोई परफॉर्म नहीं किया स्टैक के ऊपर। ये 9 रूल आपका सी इनपुट के लिए है, खाली सी है जब। अब आगे आगे
हाँ जी, अब क्या करेंगे हम, अब W मेरी जो स्ट्रिंग थी वो सारी स्टैक में आ चुकी है और इनपुट टेप से C को भी मैंने हटा दिया। अब इनपुट टेप पे क्या बचा हुआ है, W का रिवर्स। ठीक है, W का रिवर्स होने का मतलब, अगर मैं स्टैक की भी बात करूँ तो स्टैक में भी अगर मैं पॉप करती हूँ अपने एलिमेंट्स को तो वो भी किस ऑर्डर में पॉप होंगे, जो मेरा W का रिवर्स है। ठीक है, अगर इधर A B था तो अब उसमें BA बन चुका है वो। तो अब मैं क्या करती हूँ, एक एक एलिमेंट को मैच करती रहती हूँ कि जो मेरा इनपुट टेप पे एलिमेंट है और जो मेरा स्टैक पे एलिमेंट है, अगर वो दोनों सेम है इसका मतलब अभी तक मेरा ये ठीक चल रहा है कि हाँ रिवर्स ही होना चाहिए था उसका। ठीक है, और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब गड़बड़ है, ये स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्ट नहीं हो सकती पीडीए पे। तो जो रूल नंबर आपका 11 और 12 है वो क्या है, देखो 10 और 11 है कि Q1 स्टेट पे हो। ठीक है, क्योंकि अब स्टेट Q1 हो चुकी है, करंट स्टेट Q1 स्टेट पे हो, इनपुट टेप पे भी अगर ए है और स्टैक में भी ए है तो इसका मतलब ठीक है, अभी तक ठीक चल रहा है कि इधर अब रिवर्स ऑर्डर ही होना चाहिए उसका। तो आपने क्या किया, Q1 स्टेट ही रखी है, ठीक है, और सिंपली उस ए को पॉप कर दिया जो टॉप ऑफ द स्टैक में था। ठीक है, ये यहाँ पे नल लिखने का मतलब है पॉप कर दिया। सिमिलरली Q1 स्टेट पे थे, इनपुट टेप पे भी बी है और इधर स्टैक पे भी बी है, तो आपने क्या कर दिया, Q1 स्टेट ही रखी है और पॉप कर दिया बी को, क्योंकि अगर मैं उसको पॉप करूंगी तभी तो उसका नेक्स्ट इनपुट सिंबल, मेरा जो नेक्स्ट इनपुट टेप पे सिंबल होगा तभी तो वो दोनों आपस में मैच करेंगे। हाँ जी, वो दोनों तभी तो मैच करेंगे क्योंकि इनपुट टेप का हेड मेरे एक एक सिंबल आगे बढ़ रहा है, तो जब एक सिंबल मैच हो गया तो उसको मैं स्टैक से पॉप करूंगी तभी तो मेरा अगला इनपुट टेप का सिंबल और स्टैक का जो उसके नीचे वाला सिंबल है तभी तो वो दोनों मैच करेंगे, तो उसने मुझे पॉप करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में अगर आप ऐसी कंडीशन पे पहुंच गए कि आप Q1 स्टेट पे ही हो, इनपुट टेप आपकी नल हो चुकी है और स्टैक में आपका सिर्फ P0 बचा है, तो आप उसको फाइनल स्टेट पे मूव करा दो QF पे, क्योंकि यही था ना एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट, कि अगर आप ऐसी स्टेट पे हो और उस पे नल हो चुकी है और यहाँ पे सिर्फ इनिशियल सिंबल बचा है तो आप उसको फाइनल स्टेट पे मूव करा दो, इनिशियल सिंबल ऐसे ही बचा रहेगा और इसका मतलब आपके फाइनल स्टेट आ गई ना यहाँ पे, अब तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और थोड़ा क्लियर होएगा, अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हाँ जी, मैंने अब स्ट्रिंग ली है A BB C BA, इस लैंग्वेज में ये स्ट्रिंग आएगी या नहीं आएगी पहले तो ये बताओ। आएगी मैम, आएगी, क्योंकि पहले W है फिर C है और फिर उस W का रिवर्स है। इस सारी स्ट्रिंग को आपने क्या किया, देखो इस इनपुट टेप पे लिख लिया A BB C BA, क्योंकि यही काम था, इनपुट टेप पे क्या स्टोर करनी है, जो इनपुट स्ट्रिंग गिवन है इनपुट स्ट्रिंग को आपने स्टोर कर लिया। ठीक है, और ये Q0 इनिशियल स्टेट थी इसलिए यहाँ पे ये Q0 लिख लिया, और इधर ये मेरे पास स्टैक है। ठीक है, स्टैक में अभी P0 इनिशियल सिंबल है। ओके, हाँ जी, अब बताओ क्या होगा, ये देखो ट्रांजिशन फंक्शन है, इनिशियल स्टेट आपकी Q0 है, ये आपकी पूरी W स्ट्रिंग लिख ली जो भी आपकी लैंग्वेज की स्ट्रिंग थी WC W रिवर्स, और ये P0, क्या करना है मुझे, Q0 स्टेट पे A इनपुट को रीड करना है और यहाँ पे स्टैक में क्या है P0, देखो कौन सा रूल अप्लाई होगा। अब पहला इनपुट सिंबल A आया है और ये पहला है, मुझे पता चल गया ना क्योंकि यहाँ पे P0 ही है अभी, तो क्या करेंगे इसको A को पुश करेंगे और स्टेट को सेम ही रखेंगे, तो देखो आउटपुट क्या आई है Q0, और यहाँ से ये A हट जाएगा, ये तो रीड हो चुका है तो पॉइंटर मेरा B पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और स्टैक में क्या चला जाएगा P0 के ऊपर A, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, ये स्टैक था ये P0 है और P0 के ऊपर अब टॉप ऑफ द स्टैक A आ गया। अब क्या होगा, हाँ जी, अब ये मेरे पास आ चुका है Q0, क्योंकि स्टेट तो मैं सेम ही रख रही हूँ जब तक मेरा C नहीं आता Q0, अब ये मेरी BBC BBA ये स्ट्रिंग बची हुई है। ठीक है, और देखो टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या है, अब टॉप ऑफ द स्टैक पे ये A आ जाएगा ना क्योंकि A को मैंने पुश किया है, अब इधर B है और इधर A है, लेकिन लॉजिक क्या लगाया था कि जब तक पूरी स्ट्रिंग खत्म नहीं होती स्टेट सेम रखो और वो जो भी सिंबल हम रीड कर रहे हैं इनपुट टेप से उसको स्टैक में पुश करते रहो, तो ये B अब यहाँ चला जाएगा, तो ये देखो स्टैक में P0 था उसके ऊपर A पुश किया था, अब उसके ऊपर B पुश हो गया मेरा, तो Q0 स्टेट ही है क्योंकि अभी मेरा C नहीं आया है, फिर से ये B है
इधर क्या है, बी है, मैंने सिंपली क्या करना है, पुश करना है, ठीक है। तो ये देखो एक बी के ऊपर एक और ये बी आ गया मेरे पास। अब उसके बाद क्यू नॉट स्टेट ही है, अभी ये सी आ गया, ठीक है। तो उस केस में मैंने क्या किया था कि जैसे ही मेरा सी आता है मैं स्टेट चेंज कर दूंगी और सी का मुझे कुछ नहीं करना, ना उसको पुश नहीं करना है स्टैक में और ना ही कुछ स्टैक से मेरे को पॉप करना है, नथिंग वाला फंक्शन चलेगा। तो क्यू नोट से क्यू वन आ जाएगा। ये देखो यहाँ क्यू वन आ गया है और ये बाकी ये बी बी, ये मतलब टॉप ऑफ द स्टैक पे बी है। इसे दो सिंबल इसलिए लिखे हुए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, टॉप ऑफ द सिंगल और उससे पीछे वाला सिंबल क्या है।